सही समय में आदमी इस पार नहीं आ पाया, इसमें अगर समय है तो फिर तो ये तो पूरा राउंडिंग में घुमा देगा। बहाव की बात करें तो मैं एक बार पैर रख के, थोड़ा सा रिस्क है, बाकी ज्यादा नीचे नहीं उतरूंगा। चालू डेली कर सकते हैं, अगर 10 को आदमी है तो उसको घुमा देंगे। बुर्ज खलीफा के जस्ट नीचे ऐसे सेल्फी स्पॉट बनाया गया। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय। तो फिलहाल सुबह सुबह अभी मैं जा रहा हूँ मांड नदी को देखने। बताया जा रहा है कि आज बहुत ही ज्यादा, एक दो दिन से अभी तो बारिश हो रहा है, तो उस वजह से पूरा उफान में है। पूरा पुल जहाँ पे बंधाया है डैम, उससे भी कई ऊपर ऊंचा से पानी बह रहा है। साल भर में देखने को मिलता है ऐसा नजारा, तो सोच रहा हूँ मैं भी देख लूँ और आप लोग को भी दिखा दूँ। तो जस्ट मैं अभी पहुंचने ही वाला हूँ, और यहाँ पार होगा कि नहीं, गड्ढा गड्ढा में मैं तो डाल दे रहा हूँ गाड़ी को। चलिए पार हो जाएगा। गाइस चलिए फाइनली पहुंच गए और आपको दिखाता हूँ मांड नदी। देखिए इतना ज्यादा फर्क है, फिर लगातार बारिश हुआ वही एक दो दिन से, दिन में भी रात में भी उस वजह से इतना ज्यादा देखने को मिल रहा है। बाकी पिछले साल मेरे ख्याल से इतना ज्यादा नहीं बढ़ा था, इसके काफी ऊपर है, देख सकते हैं। मेरे ख्याल से 1 तारीख को हम लोग आए थे यहाँ नहाने, तो इधर पूरा हम लोग इधर जाके घूमे थे और इधर नीचे से आके यहाँ पे उतना पानी का स्रोत नहीं था तो यहाँ पे नहाए थे। तो यहाँ से देख सकते हैं लगभग इसका हाइट मेरे ख्याल से 10 फीट से नीचे होगा पुल से, इस पार नीचे, और उसके ऊपर लगभग समान रूप से ये बहने लगा है। देख सकते हैं मतलब कितना ज्यादा जल है यहाँ पे, और एरिया में तो चारों दिशाओं में जैसे ही पानी आता है तो सब मांड नदी में ही समा जाता है, बोलिए। उस वजह से ज्यादा उफान में यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो गजब का नजारा है, यहाँ से देख सकते हैं ये जितना ज्यादा मनमोहक है उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जिसको तैरने वगैरह अगर नहीं आता वो लोग गलती से भी नहाए, तैरने वाले लोग भी नहाए, क्योंकि इतना ज्यादा बहाव है। देख सकते हैं अगर गलती से यहाँ से अगर सही समय में आदमी इस पार नहीं आ पाया, तो इसमें अगर समाया तो फिर तो ये तो पूरा राउंडिंग में घुमा देगा, बोलिए। तो जान का बहुत ही ज्यादा खतरा है, इसलिए कभी भी अभी बस दूर से दर्शन कर लीजिए, आप लोग आने के बारे में मत सोचिएगा अगर आस पास के रहे तो। बहुत ही मनमोहक दृश्य देख सकते हैं, बूंदाबांदी पानी का, बहुत धान वगैरह मस्त लगा है। अभी भी थोड़ा सा लेट है तो उतना हरा भरा नहीं दिख रहा है। बाकी ऊपर से एक बार नजारा मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं जबरदस्त लग रहा है। वाव, बहाव की बात करें तो मैं एक बार पैर रख के, थोड़ा सा रिस्क है, बाकी ज्यादा नीचे नहीं उतरूंगा, यहाँ से तो उतना ज्यादा नहीं है, बोलिए। बाकी देख सकते हैं अगर मैं यहाँ से नीचे अगर उतरूं तो मेरे को भी उठा के पटक देगा उधर, यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, इससे ज्यादा खतरा है इसलिए मैं नहीं उतर रहा हूँ। देख सकते हैं मांड नदी के इस विराट रूप को देखने के लिए, देखिए यहाँ से लोग आ रहे हैं, नहाने आए हैं कि देखने आए हैं, देखने आए हैं। और आपको अभी मैं रोपा बीड़ा भी दिखाने वाला हूँ मांड नदी तक पहुंचने के लिए। देखिए हम लोग को कैसे रास्ता से होके आना पड़ता है। फिलहाल अभी तो बरसात का समय है, अगर सूखा रहता तो उतना दिक्कत नहीं होता है, बाकी अभी एकदम थोड़ा सा केयरफुली आना पड़ता। बाकी कार वार में थोड़ा सा दिक्कत है, कहीं पे फंस वंस जाए तो। आप लोग भी आ सकते हैं लेकिन अभी मत आइएगा, अभी थोड़ा सा रेड जोन में है, बोलिए। अभी का सीजन जो है जबरदस्त लगता है, चारों दिशाओं में हरा भरा लगता है, मन एकदम खुश हो जाता है। इधर है मांड नदी, पर यहाँ से दिखता नहीं है, वही पेड़ पौधे से छिप जाता है, अगर पेड़ पौधे भी नहीं रहते तो काफी नीचे है उस वजह से नहीं दिखता, बोलिए। इस यहाँ से देख सकते हैं धान को उखाड़ उखाड़ के, शायद इसी गाड़ी में भर के लाया गया, तो इसको उखाड़ के फिर कैसे करेंगे, दूसरे खेत में लगाएंगे, इसी में लगवाऊंगा। शुरू से लगवा रहे हैं माने? अच्छा थरहा दिए थे इसमें? थरहा नहीं दिया था, खर्री बुने थे, बुना था चौपी, हाँ जामा पूरा, तो उसको उखाड़ के रोपा इसी में लगवाएंगे, फिर लगवा रहा हूँ उस साइड से, फिर नहीं पूरेगा, उधर है गाछी उसको लाऊंगा। हाँ
तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे चोपी बुना गया था पर ये हुआ नहीं, तो फिर से उखाड़ के यहाँ पे रोपा लगाएंगे, सबको उखाड़ उखाड़ के बांध बांध के लगाएंगे। बोलिए यहाँ देखिए पेड़ ही गिर गया पानी की वजह से। ऐसे गाइस इधर आने का मेन उद्देश्य हमारा अभी पूरा नहीं हुआ है, तो मैं आपको दिखाया ही नहीं। अभी देखिए यहाँ से मांडा नदी का पानी को यहाँ से पुल बांधा गया है, तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा के लिए ऊपर नहीं है, देख सकते हैं यहाँ से काफी नीचे, ज्यादा नहीं होगा मेरे ख्याल से 4-5 फीट ही नीचे के लिए टच नहीं हुआ है, तो यहाँ से देख सकते हैं। गाइस ये जो रेलिंग को मैं पकड़ा हूँ इसमें वाइब्रेट हो रहा है, ये बहुत ज्यादा पानी बहुत रफ्तार से बह रहा है, उस वजह से झनझन झनझन का आवाज आ रहा है। और यहाँ पे देखिए एक आम का पेड़ है, इसका डगाल पूरा नीचे तक झुके रहता है, तो वो भी डूबा हुआ है। इधर से आप देखेंगे तो आपका नजर भी नहीं पहुंचेगा पूरा बहुत पीछे तक। वैसे इस पुल का बात करें तो मेरे ख्याल से मैं तो जब पैदा हुआ तब से देख रहा हूँ, तो मतलब हमारे पैदा होने से पहले का ही बना है, तो काफी मजबूत है, वैसे टूटने का डर नहीं है। तो यहाँ से देख सकते हैं हमारे किलकिलेश्वर धाम में जैसे आप लोग आते हैं तो झूला वगैरह भी लगा है बहुत सारा, जैसे कि आप लोगों को पता होगा दुकान उकान आया है। चलिए मैं इधर से घुस के आपको दिखाता हूँ एक बार। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ की दुकानों को, तो चलिए देखने चलते हैं कौन कौन सा झूला आया है, और आप लोग भी आइएगा। फिलहाल तो यहाँ पे फूलों का दुकान, और इधर गाइस देख सकते हैं ब्रेकिंग डांस भी है, और इधर बड़ा वाला झूला को हम लोग तो राम ढेलवा झूला बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी यहाँ पे पता नहीं कुछ दुकान था होगा, अभी तो बंद कर दिए, यहाँ पे अभी तो सेटिंग चल रहा है। यहाँ पे भी देख सकते हैं बच्चे लोग के लिए खासकर, वो ट्रेन वाला तो आता ही है मेरे ख्याल से, एक ही मालिक का होगा मेरे ख्याल से, तभी लोग साथ में ही आते हैं। बोलिए जहाँ भी जाते होंगे साथ में अपना दुकान लगाते होंगे। देखिए इतना सारा आया है, कैसे सोमवार को ही खाली चालू करते हैं? चालू देने कर सकते हैं, अगर 10 आदमी है तो उसको घुमा देंगे। अच्छा ऐसे बरसात में भी बन जाता है? बरसात में नहीं बन पाएगा। कब से चालू किए हैं? पिछले सोमवार से। ठीक है अभी तो चलेगा। बोलिए ये सब एक ही मालिक का है कि अलग अलग का है? सब फिलहाल एक ही है। क्या रेट है अभी? बड़ा का 50। बड़ा का 50, और इसका ब्रेकिंग का 50, और ये बच्चे लोग का 20-30 का है। कैसे सेटिंग कर रहे हैं? चलिए मैं आ गया हमारे गाड़ी साइड, और यहाँ से एक बार देखें आप लोग कितना सारा दुकान आया है। बस यहाँ पे ही नहीं, इसके अंदर अंदर भी बहुत सारा दुकान लगा है, वहाँ से देख सकते हैं इधर भी इस गली में, और मेले टाइम में तो पूरा बहुत बड़ा एरिया में लग जाता है। लोग जरूर आए, एक आध सोमवार पे होटल खुला है। नमस्ते, क्या बना रहे हैं भैया? होटल खोले हैं कि समोसा भजिया नहीं बना है? आएंगे। मेरे को याद नहीं आ रहा था, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अभी जो हम लोग पुल को मैं आपको दिखाया मांडा नदी का जो वहां पे बना है, वहां पे अभी बहुत ही भयंकर वाला एक्सीडेंट हुआ। बाकी उतना पानी नहीं था, जल का स्रोत जो है काफी कम था। मैं जहां तक सुना था पिकअप वाला किसी बाइक वाला को मारा, ऐसा मारा कि पुल से उस पार जैसे हम लोग पिक्चर में देखते हैं वैसी उछल के सीधा नदी में गिर गया। तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं, पैर फ्रैक्चर हो गया था, उसे ज्यादा कुछ नहीं हो, पानी में गिरा उस वजह से। ऐसा हालत है, अगर आदमी अच्छे तरह से अपने साइड में भी चल रहा है तो दूसरा कोई आके उसको मार दे रहा है। वैसे वो पिकअप वाला का भी गलती नहीं था, अचानक शायद टायर उसका फट गया, उस वजह से उसका अनबैलेंस हो गया, ऐसा हुआ होगा, फिर मार दिया होगा। अभी वही बारिश की वजह से हमारे देवक भैया भी आज नहीं खोले हैं, मैं भी थोड़ा लेट में ही खोल रहा हूँ। रात हो गया, मैं और झरना जा रहे हैं थोड़ा सा शहर, थोड़ा सा मेडिसिन वगैरह भी लाना है और कुछ काम। कदम घाट बोलते थे उसको, तुम जानते थे? पहले नहीं जानते थे आपसे, आप जानते। अब नहीं सुने थे तुम? हाँ। बारिश में तो सभी साइड सुन हो जाता है, देखिए कोई भी दुकान में आपको ग्राहक नहीं दिखेंगे, सभी जगह बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं। इसके वजह से साइड में जो थे गुपचुप चाट मोमोस वाले, वो लोग भी आज छुट्टी मार दिए, सब आराम कर रहे हैं। थोड़ा मेडिसिन लेके आ जाते हैं, मेरा काम एक हो जाए कम से कम। तो गाइस फिलहाल हम लोग आ गए हैं अरनाव। वो लाइट को जलाओ ना वहाँ पे का लास्ट इधर का लास्ट। अब कहा नेपाल से बताए थे ना, कितना दिन से यहाँ है? मेरे तो हो गया काफी साल, लेकिन इसमें यहाँ पे 1.5 साल हो गया। अच्छा,
आजकल मैं जिस भी रेस्टोरेंट जा रहा हूँ उसमें रेस्टोरेंट का नाम कैसे लिखा रहता है, जैसे यहाँ भी देखो अर्णव रेजेंसी, बस स्टिकर अपना चिपका देते हैं कि गाइस यहाँ देखिए बर्थडे एनिवर्सरी पैकेज है इसका 45,080 आदमी, 51,100 आदमी, तो इतना सारा वैरायटी आपको यहाँ मिल जाएगा। एक्चुअली हमारा काठी रोल यहाँ पे आ गया। लो यार खोलो हम लोग का मुखारी को काठी। एक्चुअली हमारे देहात में काठी मुखारी को बोलते हैं, दतुन को, जो मतलब ऐसी जो भी किसी भी पेड़ का छोटा सा वो तोड़ के करते हैं। बाकी इसका देखिए नाम है काठी रोल, इसको हम लोग खाने वाले हैं आज। पिछले बार मंगाए थे तो ऐसे फोल्ड करके नहीं दिए थे, लेकिन ना इस बार फोल्ड करके दे रहे हैं। कौन सा है, पनीर है कि वेज? मेरे ख्याल से मैदा हुआ है। आटा का रोटी बनाया है, पत्ता गोभी डाले हैं, सॉस डाला गया है, और क्या है, प्याज वेज जैसे हम एक रोल खाते हैं वैसे टेस्ट है ना। बड़े दिन बाद हमने मंगाया है यहाँ पे देखिए वेज पिज्जा। लास्ट टाइम हम लोग कब खाए थे? काठी रोल के डीप के साथ जबरदस्त लग रहा है। हाँ केचप मंगा दीजिए। वैसे ये क्या का चीज से बनता है? ये पिज्जा बेस है, उसमें पिज्जा पास्ता सॉस लगा है, टमाटर प्याज कैप्सिकम ऊपर चीज ओरिगेनो चिली फ्लेक्स। चलिए काठी रोल भी खत्म, पिज्जा भी खत्म, अभी एक चीज हमने और मंगाया है जो यहाँ आके हम लोग अक्सर खाते हैं। वैसे ये पता है तुमको बुर्ज खलीफा के जस्ट नीचे ऐसे सेल्फी स्पॉट बनाया गया। एक बार खड़े होना, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा हो गया ना। गाइस चलिए अब घर जाने का भी समय हो गया है और काफी रात भी हो गया, तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, बाय।